दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिग रिलीफ है। 9A9C का बड़ा अपडेट है। GSTN को मिला है करारा जवाब। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 10 फरवरी 2020 को एक ऑर्डर इशू किया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जानते हैं क्या है इस ऑर्डर में, कैसे ये जजमेंट आई, क्यों ये ऑर्डर आया, सभी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे और क्या हमें रिलीफ मिला है 9A9C के लिए, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए बिगिन करते हैं, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स में क्या बताया है। ये किस जजमेंट के अगेंस्ट आया था, अराइज हुआ था आउट ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर जो इशू हुई थी 5 फरवरी 2020 को, पास बाय हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड जोधपुर। तो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने 5 फरवरी 2020 को एक ऑर्डर इशू किया था जिसके लिए उन्होंने एक डेट बता दी थी राजस्थान के लिए कि लास्ट डेट राजस्थान के लिए रहेगी 12 फरवरी 2020 क्योंकि GST पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है। इसी के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये हियरिंग थी और इसमें जो डिसीजन हुआ है वो नीचे लिखा है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल एंड द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ऑर्डर जो दिया है इम्पॉर्टेंट है और कौन लोग यहाँ पर अवेलेबल थे ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पटिशनर एंड रिस्पोंडेंट, कोरम क्या थी, ये सभी चीज़ें भी इसमें लिखी हैं। और ये जो पटिशन है, दिस पटिशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे ऑन 10 फरवरी 2020, जिसके बेस पे ये ऑर्डर आया। ऑर्डर में क्या लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, पढ़ के आपको समझाना चाहूँगी। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है, वी डू नॉट इंटेंड टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान जोधपुर। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, राजस्थान हाई कोर्ट का, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहती है। हाउ एवर, पर यहाँ पे एक डिसीजन वो ले रहे हैं, वी ओनली स्टे दैट पार्ट ऑफ द ऑर्डर विच हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द रिटर्न। तो वो बोल रहे हैं कि हम उस पार्ट को स्टे कर रहे हैं ऑर्डर के जहां लिखा था कि डेडलाइन एक्सटेंड हो जाएगी रिटर्न के लिए, यानी जैसे 9A9C की डेट एक्सटेंशन को स्टे कर दिया गया है, कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, लास्ट डेट्स वही हैं जो नोटिफाई की गई थी। पर अब रिलीफ क्या मिला है, उन्होंने रिलीफ के लिए एक बेसिस बताया कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टर तुषार मेहता लर्न्ड सॉलिसिटर जनरल स्टेटमेंट टू दिस कोर्ट दैट ओनली ₹200 पर डे इज बीइंग चार्ज फॉर द फाइलिंग ऑफ लेट रिटर्न बियॉन्ड 12 फरवरी 2020। यहाँ लिखा है कि ₹200 पर डे की लेट फी चार्ज कर दी जा रही है एंड ही ऑल्सो एश्योर्ड दैट बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट एक्ट विल नॉट इन्वोक एनी पैनल पावर इन दिस बिहाफ, कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही पैनल पावर्स इसके लिए यूज नहीं कर पाएंगे। यानी लेट फी तो लगेगी पर फर्दर आप कोई पेनल्टी या पैनल एक्शन नहीं होगा, जैसे कि जैसे 9C की जो पेनल्टी है वो ₹25,000 पर एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ आपको राहत दे दी गई है। और सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया गया है, GSTN के बारे में बताया गया है कि वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द लर्नर काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट्स दैट द कैपेसिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ GST एप्लीकेशन इज एक्सट्रीमली लिमिटेड। तो कोर्ट को भी बताया गया कि जो GSTN है उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है, लोड लेने की कैपेसिटी नहीं है उनकी लास्ट डेट्स पे। जैसे ही 1,50,000 टैक्स पेयर्स रिटर्न भरते हैं एक साथ, उस पर लोड हो जाता है तो पोर्टल काम करना बंद कर देता है, एक मैसेज अपीयर होने लगता है कि ऑलरेडी 1,50,000 टैक्स पेयर्स आर फाइलिंग देयर रिटर्न, प्लीज़ बी ऑन द लाइन, आप रुके रहें आपका नंबर आ जाएगा। वो 1.5 लाख टैक्स पेयर भी कौन से हैं वो किसी को नहीं पता और पोर्टल की लोड लेने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है एंड द एप्लीकेशन बीइंग फार मोर इन नंबर, और इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पिटिशनर को कि वो इस प्रॉब्लम को देखें, जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन लेके आएँ इन अकॉर्डेंस विद द फोर्सेट कैपेसिटी एज सून एज इज प्रैक्टिकल। तो फिर कोर्ट ने फर्दर बताया कि दिस स्पेशल लीव पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली एंड पेंडिंग एप्लीकेशंस आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही डिसीजन दिया है कि पैनल एक्शन नहीं होगा, आपको क्लियर हो जाना है कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि 9A9C की डेट 12 फरवरी हो गई है फिर भी लेट फी क्यों लग रही है पोर्टल पे, तो डेट एक्सटेंशन नहीं है, लेट फी लग रही है पर कोई पैनल एक्शन आप पर नहीं होगा। GST की एनुअल रिटर्न अभी तक आपकी पेंडिंग है और आपको दिक्कत आ रही है तो हम आपको सजेस्ट करते हैं क्लियर टैक्स का GST सॉफ्टवेयर, आप इनका डेमो भी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, डेमो के लिए यहाँ नंबर भी दिया है। और GST एनुअल रिटर्न क्लियर टैक्स से फाइल कर
करना बहुत ही इजी है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 2 ईयर्स के रिकन्सिलेशन 5 ही मिनटों में हो जाते हैं क्लियर टेक्स्ट से, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। जीएसटी की इतनी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स फाइल करने में अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और मैं पर्सनली क्लियर टैक्स का जीएसटी सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ। ये डैशबोर्ड है क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर का, जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको भी ऐसा ही डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे सभी फीचर्स हैं, चाहे आप इनवॉइस बनाना चाहें, रिटर्न्स फाइल करना चाहें, एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहें, रिपोर्ट्स देखना चाहें यानी मैच करना चाहें अपने 3B को 1 से, 2A का रिकन्सिलेशन करना चाहें, मल्टी मंथ 2A डाउनलोड करना चाहें, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। तो इसके इतने सारे यूनिक फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आप इसे एक बार साइन अप करके देखिए, 30 डेज का फ्री ट्रायल है। अच्छा लगे तो ऑफर्स का फायदा उठाइए जो सीए गुरुजी चैनल के व्यूवर्स के लिए क्लियर टैक्स ने दिया है। ऑफर्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी रिलेवेंट लिंक्स डाल दिए हैं, आप चाहें तो इसे ट्राई करके बाय कर सकते हैं। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं क्लियर टैक्स से एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करनी है, उसकी वीडियो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो आई एम होपिंग दिस वीडियो इज रिलीवेंट फॉर यू। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और सीए गुरुजीत चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, आईडी आपको मेरी स्क्रीन पे दी हुई है, और फेसबुक और ट्विटर पे सर्च कर लीजिएगा #CAGuruji। और हमारे उन सभी व्यूवर्स को दिल से करना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए छोटे से बेल आइकन पे प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले। दिल से आपको थैंक यू, और आप भी बेल आइकन को प्रेस करके जुड़िए हमारी सबसे पहले देखने वाली फैमिली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।